प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट दमदार और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि बंगाल जो है वो मुगलिस्तान बनते जा रहा है, यानी ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं वो हिंदुओं को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं अगर उन्होंने TMC को वोट नहीं दिया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की दो बहादुर महिलाएं, एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी सैनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मुझे एक बात बताएं अंजू जी, और मैं अपने आपके व्यूअर्स से भी पूछना चाहती हूँ और पश्चिम बंगाल के जो लोग देख रहे हैं मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या शेख शाहजहां ने पंचायत इलेक्शन में लुंगी के अंदर बम छुपाया था? नहीं, ये लुंगीबाज वालों ने छुपाया था। शेख शाहजहां गाइड करता था, अराबुन क्या कुर्ते में बम लेकर के चलता था पंचायत इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में? नहीं, ये लुंगी और टोपी वाले चलते थे, वो गाइड करता था, यहाँ बम मारना है, वहां बम मारना है, वो बैलेट को लुंगी के अंदर छुपाना है, वो बैलेट को पुकुर में तालाब में फेंकना है, वो वहां पर 500 बुरके वाली जिहादन को रोकना है। तो ये जितने भी बड़े बड़े मुगल बादशाह थे वो जेल के अंदर है, पर उनके जो स्लीपर सेल है वो बाहर है। देखिए, इस बात में कहां पर गुरेज आ सकता है कि क्या शेख शाहजहां ISI का एजेंट नहीं हो सकता है या लश्कर-ए-तैयबा का एजेंट नहीं हो सकता है? क्या हमने यासीन मलिक को पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके डिनर करते हुए नहीं देखा है? बाद में पता चल गया था कि वो लश्कर-ए-तैयबा का एजेंट था। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर भी हो सकता है। हथकंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, और जैसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि भाई CBI ये मैटर देखेगी, और इतना NSG ने जब सीज किया तो NSG के उस सीजर लिस्ट को देखने के बाद तो और भी ज्यादा मतलब एडमिट हो गई कलकत्ता हाई कोर्ट कि भाई अब तो इस मैटर को CBI को ही देखना पड़ेगा। और तब अभिषेक बनर्जी ने क्या बोला कि कलकत्ता हाई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी चला देगी। ममता ने भी कहा था कि वो BJP ने सबको खरीद लिया है, कोर्ट को खरीद लिया है, NIA को खरीद लिया है, CBI को खरीद लिया, सबको तो खरीद लिया, ये ममता बनर्जी ने कहा था। सोचिए, SSC स्कैम में 1200 करोड़ से ऊपर का घपला हो चुका और इस राज्य सरकार ने किया, 24,640 लोगों से ब्लैंक OMR शीट भरवाया गया और उसके बाद पे 5 लाख रुपए भी करके अगर ब्राइब सोचते हैं, हम सोच लेते हैं 5 लाख जो उससे ज्यादा लिया गया है, तो 1200 करोड़ से ऊपर तो यहाँ का घपला है। तुम OMR शीट दिखा दो, तुम्हारे पक्ष में जजमेंट चला जाएगा। तुम OMR शीट दिखा क्यों नहीं रही हो? इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि उसी OMR शीट पे तो हमने पश्चिम बंगाल के युवाओं ने और जेंसी जो यहाँ के कल्चर है उन्होंने पुचका खाया है, गोलगप्पे खाए हैं और दही बड़ा खाया है उसी OMR शीट पर। तो वो OMR शीट जब कलकत्ता हाईकोर्ट मांगता है तो भी नहीं दे पाती है, वही OMR शीट जब सर्वोच्च न्यायपालिका मांगता है तो भी नहीं दे पाती है। तो भाई आपने चोरी किया है, अब आप कह रही हैं कि कोर्ट भारतीय जनता पार्टी चला रही है, कैसे चला रही है भैया? उसको भी प्रमाण कर दो, वो भी प्रमाण कर दो, जनता देखेगी, दूध का दूध पानी का पानी कर लो। इनका तो वही हिसाब है ना नाजिया जी, कि अगर इनके पक्ष में फैसला है तो बल्ले बल्ले, केजरीवाल के पक्ष में अगर फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में तो उसको वहां पर चीफ जस्टिस में कृष्ण नजर आते हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ फैसला आता है तो उनको लगता है कि अरे ये तो बिकाऊ है, ये तो मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो SSC स्कैम है जिसको लेकर 24,000 के आसपास जो लोग शिक्षक बनाए गए थे, जिनको नौकरियां दी गई थी, उन सबको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। लेकिन ये स्कैम जो है, इसमें तो मैंने यहां तक पढ़ा था कि वो अणुव्रत मंडल की बेटी ने तो एग्जाम ही नहीं दिया फिर भी वो नौकरी कर रही थी, उसके परिवार के 6 लोगों को भी बिना एग्जाम दिए, TET का एग्जाम दिए बिना ही नौकरी मिल गई, और वो आपका एक और मंत्री अधिकारी उसकी बेटी को इन्होंने टॉपर बना दिया। तो ये सारा गोरख धंधा तो चल ही रहा था ना इनके अंदर। देखिए, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। वेस्ट बंगाल स्कूल कमीशन एक बॉडी है स्टेट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की वेस्ट बंगाल स्कूल कमीशन एक बॉडी है जिसमें 2014 में SLST स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट का रिक्रूटमेंट निकला था और टीचर रिक्रूटमेंट का फॉर्म जो है वो इशू हुआ था। तकरीबन मोर देन 23 लाख कैंडिडेट ने इसको अपेयर किया था, मोर देन 23 लाख। अब उसमें से जो फॉर्म का पैसा है उसको हम अलग कर देते हैं।
अब SLST को चाहिए था 24,640 वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए टीचर। अब 24,640 का घपला यहाँ से स्टार्ट होता है कि जैसे ही इस फॉर्म को भर दिया गया था वैसे ही 24,640 लोग जो किसी विधायक के परिवार वाले थे, किसी TMC के नेता के परिवार वाले थे, अनुब्रतो मंडल की बेटी थी तो उसकी दोस्त थी, तो उसका वॉचमैन था, तो उसका ड्राइवर था, तो उस विधायक का, उस नेता का भतीजा था, भतीजी थी, इन सब ने क्या किया, और साथ साथ जो लोगों ने पैसा दिया इन सब ने OMR शीट को ब्लैंक ब्लैंक छोड़ करके आए हैं। नॉर्मली होता क्या था, पहले कांग्रेस के जमाने में जब स्कैम होता था तो क्या होता था कि OMR शीट गलत सलत भी भर कर आते थे, लेकिन ये OMR शीट ब्लैंक छूट करके आया था। अब इसका स्टार्टिंग में ED और CBI ने स्टार्ट किया इसका वेरिफिकेशन करना। जैसे ही ED और CBI वेरीफाई करना स्टार्ट की तो पार्थो चैटर्जी, जिसके घर से सेक्स टॉय नोट का पहाड़ बहुत सारी चीजें सीज हुई, वो जवाब नहीं दे पाया, जबकि 9 या 10 से ऊपर नोटिस जा चुका था ED का कि भैया आप जवाब दे दो या OMR शीट दे दो हमें, बात यहीं पर क्लियर हो जाएगी। अब ब्लैंक OMR शीट को इन लोगों ने पहले ही बर्बाद कर दिया था, क्योंकि ब्लैंक OMR शीट इतने बड़े सरकार के रिक्रूटमेंट पर ब्लैंक OMR शीट 24,640 अगर दिख जाता, किसी भी रद्दी खाते से भी निकल जाता तो डायरेक्ट श्रीमती ममता बनर्जी का कॉलर पकड़ा जाता डायरेक्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी है SLST। उसके बाद फिर जब पार्थो चैटर्जी जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो चले गए अभी तक, अब उसके बाद फिर क्या होता है कि पता चलता है कि 24,640 हुए हैं 25,000 रिक्रूटमेंट, जिसमें तकरीबन 400 जो है वो विधायक विधायक के रिश्तेदार हैं, लेकिन 24,640 जो है वो लोग जिन्होंने पैसा दे करके इस नौकरी को खरीदा था और जो वाकई में कैपेबल थे उनका हक मारा था। अब इन्होंने जो खरीदा था, अब इसकी कीमत हम 5 लाख लगा देते हैं, हालांकि कुछ तो पता चल रहा है कि 20 लाख में भी खरीदा गया था, तो 5 लाख को आप जोड़िएगा 24,640 से, तो मोर देन 1200 करोड़ का घपला है। बिल्कुल। अब ना ये 1200 करोड़ का हिसाब पश्चिम बंगाल की सरकार और शिक्षा मंत्री दे पा रहे हैं, और ना ही ये 24,640 कैंडिडेट का OMR शीट सबमिट कर पा रहे हैं। अब जब पूछा जाता है कि ये OMR शीट गई कहां SLST से, अब ये भी नहीं कह रहे हैं कि तो केंद्र ने करवाया था, कैसे करवाया था, ये तुम्हारी बॉडी है तुमको ही देना पड़ेगा, तुमने ही रखा होगा, तो अब केंद्र पर भी नहीं थोप पा रहे हैं। अब आती है बात कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 से ये मांग रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट 2016 से कि OMR शीट दे दो, मैटर यही खत्म हो जाएगा। 2016 से आ गया 2024, अब जब 25,000 रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया अभी 5-6 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने, तो कल्याण बनर्जी जो MP भी हैं, जिन्होंने उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया था, उन्होंने कहा मीडिया के सामने 5 मिनट में सर्वोच्च न्यायपालिका से मैं स्टे ऑर्डर ले आऊंगा। 5 मिनट स्टे ऑर्डर तो मिला, लेकिन साथ साथ ऑर्डर में ये भी मिला कि ये जो दूसरे 6 मई को आइएगा ना तो OMR शीट लेकर आइएगा, 6 मई को एंटर कीजिएगा तो OMR शीट के साथ एंटर कीजिएगा। अब इनको ना नींद आ रही है, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है कि भैया जिस OMR शीट पर हमने बच्चों को फुचका और दही बड़ा खिला दिया, चटपटी खिला दिया है, अब ये OMR शीट हम लाएंगे कहां से, तो घपला ऐसे ऐसे। इसके साथ साथ मैं अंजू जी आपको 3 ऐसे झूठ हैं जो मैं श्रीमती ममता बनर्जी के आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि ये भी दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये इतने सारे जो नौकरी कर रहे हैं लोग, जिनको कहा गया था कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कि एक हफ्ते के अंदर अपना पूरा वेतन जो लिया है उसको ब्याज के साथ चुकाया जाए, तो ये कहा गया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उनकी भी नौकरियां जारी। क्या इन सब में जो 22-23 हजार या 24 हजार लोग हैं, इनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि बिना कोई पैसा दिए, कोई कटमनी दिए ही नौकरी हासिल की हो? कोई नहीं है। जमीन जायदाद बेच बेच करके ब्राइब्स दिया है नौकरी पाने के लिए,
लोगों से कर्ज ले ले करके जो क्रेडिबल नहीं थे, जिनके अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं थी, पर नौकरी चाहिए था उनको, और विधायक जी के यहाँ चप्पल चाटते थे, तो जमीनें बेच बेच करके इन्होंने इन्होंने ब्राइब दे करके नेता मंत्रियों से इन्होंने नौकरी खरीदी थी, और जिनको जो क्रेडिबिलिटी, जिनके अंदर क्रेडिबिलिटी थी, जिनका एक्चुअल में हक था, वो तो बेचारे धरना पे बैठे हुए पिछले सवा दो साल से, वो तो धरना पे बैठे हुए हैं सवा दो साल से, बच्चों का जन्मदिन भी मनाते हैं और ऐसी चिलचिलाती धूप में भी, दुर्गा पूजा में भी, ईद में भी, दिवाली में भी, सब में वो धरना पे बैठे रहते हैं सवा दो साल से बैठे हुए, जो वाकई में क्या जिनके नाम उस मेरिट लिस्ट में होने चाहिए थे और इन्होंने अपने लोगों को डाल दिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।